तीनों में एक ही फर्क है, एक्टर को हमेशा कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है. एंकर नहीं तो जज बन सकते हैं. लेकिन स्पाइडरमैन को देखो, उम्र क्या बड़ी, नौकरी भी गई और रिस्पेक्ट भी. बुढ़े स्पाइडरमैन की दर्द भरी कहानी लेकर आ रहे हैं कपिल एज बूढ़ा स्पाइडरमैन एंड पार्वती एज वेरियस कैरेक्टर्स. हेलो, हाँ जी, हेलो, स्पाइडरमैन बोल रहा हूँ. आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड. अब आ रही है. तो मैडम, मैंने रेलवे के टिकट में कंसेशन का फॉर्म भरा था, क्या हुआ उसका? गालियां क्यों दे रही हो? सीनियर सिटीजन से तमीज से बात करो. हाँ जी, साली खुद की शादी टाइम पे होती नहीं, हम पे गुस्सा निकाल रही हो. दबाव जागे, जब से बुढ़ा हुआ हूँ मैं, लोगों ने पूछना बंद कर दिया है. किसी टाइम पे हम लोगों ने रेलगाड़ियां बचा बचा के लोगों का भला किया है, अब उसी रेलगाड़ी में पास के लिए लोगों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं. खैर, गोली मारो, दुकान खोलते हैं अपनी, क्योंकि ग्राहक और आफत का कोई पता नहीं कब आ जाए. कहां मर गया था वे बुढ़े? आ गई आफत. मन करते मार मार के ना टेटुआ दबा दूं मैं. ग्राहक आया नहीं, आफत पहले ही आ गई. हाँ क्या? अरे कितनी बार बोला मुझे, बता के जाया कर तू कहाँ जाता है. अरे आसपास की औरतें कहती हैं, मुझे आके कंप्लेन करती हैं कि बुढ़े को सड़क क्रॉस करनी नहीं आती, हर बार हमें करानी पड़ती है. अबे ज्यादा झूठ बोलती है, मैं नहीं किसी की मदद लेता, स्पाइडरमैन हूँ. स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन कहीं का जाले निकलते तेरे है, जाले निकलते तेरे है. जाले निकले? मैंने कल निकाला, 1:07 बजे निकला था. दिखा, निकलता है जाला. अरे इतनी बार अगर मैं पुरानी टूथपेस्ट दबाऊं ना तो दो लोग ब्रश करके आ जाते. मैंने कितनी बार कहा है मेरे ऑफिस में आके ज्यादा बकवास मत किया कर तू. बड़ा आया ऑफिस वाला, बेडरूम को ऑफिस बना के रखा है. कितनी बार बोला अगर बेडरूम को बेडरूम की तरह इस्तेमाल करेगा ना तो आज तक हमारे 3-4 बच्चे हो गए होते. छुट्टे में तेरा सारी बात उधर करके बोलती, पंच मेरी तरफ करके बोल देती है. देख मैंने कितनी बार कहा मेरे से झगड़ा मत किया कर, मेरी बहन मत किया कर. क्या बोला? बहन? हाँ, तो इस उम्र में डार्लिंग कह के भी क्या उखाड़ लूंगा मैं. मेरी बात सुन, मैंने सरकार के लिए फॉर्म भरा हुआ है स्वतंत्रता सेनानी का, पेंशन लग गई, दोनों एंजॉय करेंगे, टेंशन मत लिया कर. तुम स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो सकते हो? ठाकुर कॉमेडियन हो सकता है, मैं स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता. मेरी फूटी किस्मत, मैंने किससे शादी कर ली. जा, सब्जी लेके आ, चल. तेरी इतनी हिम्मत, तू स्पाइडरमैन को सब्जी लाने के लिए बोल रही है? हाँ तो नहीं, मैंने कहा कि बिरयानी बनाई हुई मैंने, वेस्ट जाएगी, वो खा लो. अगर मुझे सब्जी खाने का मन कर रहा है तो फिर लानी पड़ेगी, जब शादी करी है. सब्जी ले आता हूँ अभी. क्या कर रहा है? सुपरमैन का एक्शन कर रहा है. ओहो, मैं यादाश्त क्या करूं, मैं कमजोर हो गई है. शक्तिमान का एक्शन क्यों कर रहे हो? तो मेरे वाला कौन सा, मुझे नहीं याद आ रहा, तू जाकर खुद ले आ सब्जी. तुझसे ना कुछ नहीं होना, निकम्मा कहीं का. बैटमैन को देखा है कितना खुश रखता है अपनी बीवी को. अब मैं क्या करूं, चमगादड़ आता ही फॉर्म में रात को, मेरा क्या कसूर उसमें? तो सुपरमैन को देख लो, हर महीने अपनी बीवी को ना अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीद के देता है. क्या अच्छी अच्छी ड्रेस लेके देता है, खुद तो ड्रेस पहनने की सेंस नहीं उसे. साला पजामे के ऊपर से चड्डी पहन के घूम रहा होता है. पर एक फायदा है लेकिन उसका, एक आज तक उसने कभी इच गार्ड इस्तेमाल नहीं किया. हाँ, तुम्हें तो सिर्फ बातें बनानी आती है. बातें बनानी आती है, अंदर जो बिरयानी बनी वो तेरे बाप ने बनाई थी. अरे मैं क्या जाऊंगा तेरे बाप पे, तू तो खुद नहीं गई अपने बाप पे, तेरी तो शक्ल सुरेंद्र से मिल रही है. बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तेरी पोल खोल दूंगी सबके सामने. क्या पोल खोलेगी मेरी, क्या पोल खोलेगी बता? यही के फेसबुक पे तुम अपनी उम्र 20 साल कम लिखते हो. तब आ जा बदतमीज औरत, अपने पति की पोल खोले. तब आ जा, निकल जा, भाग के जा, जल्दी जा, बाद में लेट आएगी, जा. मैं तो डर गया था कहीं बेड पे सुसु वाली बात ना बता दे. हेलो जी, जी स्पाइडरमैन स्पीकिंग, क्या हुआ? चौथे माले पे आग लग गई है, मैं तो नहीं कोई मदद कर सकता. नहीं मैडम,
मैं नहीं चढ़ सकता चौथे माले पे मैडम, मैंने तो घुटनों में प्रॉब्लम, मैंने खुद ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट लिया है। आग लगी कब से है? सुबह से। तो आपने कुछ खाया नहीं होगा, कहो तो ब्रेड अंडे भेज दूं। हैं? नहीं अंडे। दफा हो फिर, 15 मिनट में तेरा खुद का ही आमलेट बन जाएगा कमीनी। एक प्रेस रिपोर्टर आने वाली थी, मेरा इंटरव्यू लेने आई नहीं कमबख्त अभी तक। एक्सक्यूज मी, स्पाइडरमैन आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, बताइए क्या मदद कर सकती हैं आप मेरी? जी 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 मत करो, ऊंची ऊंची बोलने से नहीं, जब पंच नहीं है तुम्हारे पास तो नहीं है। मैं ही हूँ स्पाइडरमैन, बताइए। पक्का? पक्का मतलब? सर वो जाले नजर नहीं आ रहे तो। अब इतनी उम्र हो गई, मेरी बगलों में जाले लग गए, ये देखो। सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। हाँ जी पूछिए। आपको कैसा लगता है जब लोग आपके काम की तारीफ करते हैं तो? अच्छा लगता है जी, जब काम की तारीफ होती है, लोग कहते हैं कि बाहर से अंडा 4 रुपए का, इसकी दुकान से 4.25 का, अच्छा लगता है। सर आप अंडे बेच गए? सर मुझे लगा स्पाइडरमैन वो। नहीं नहीं स्पाइडरमैन वो मेरा काम, वही है मेरी हॉबी है। ओके दैट्स नाइस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर आपको पहली बार कब पता चला कि आपके अंदर से जाले निकलते हैं? देखिए मैडम, मैं मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी, बच्चा बीमार ना हो जाए इसलिए मुझे नहलाती नहीं थी। 16 साल की उम्र तक मैं नहाया नहीं। पहले दिन जब मैं नहाया तो 2-3 हफ्ते तो मेरे पर्सनल जाले निकले। उसके बाद जब जाले निकलने हटे नहीं, मेरी माँ ने पाइप चेक की तो इसमें जाले निकल रहे थे, नहीं तो पहले तो मेरे माँ बाप मुझे निकम्मा ही समझते थे। सर तो आप हमारे दर्शकों को ना जाल फेंक के दिखाइए। जाले तो मैडम अब निकलते नहीं है, मैंने सुबह भी दबाया निकले नहीं, ज्यादा दबाओ तो हक्का नूडल निकल आते हैं जी। जाले वाले है नहीं, खत्म हो गए जी। सर तो आपका क्या कहने का मतलब है कि सुपर हीरोज का आप कोई काम नहीं रहा? सुपर हीरो मैं क्या जी, कोई भी किसी काम का नहीं रहा जी। ही मैन शी मैन स्पाइडरमैन सब इधर ही बैठे हैं लाइन लगा के, इनके पास काम होता तो साले कॉमेडी सर्कस करते। किसी के पास काम नहीं है तो आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है? मैं तो जी अपनी ड्रेस बच्चों को फैंसी ड्रेस पे किराए पे देता हूँ। और ये सुपरमैन अपना लंगोट पहलवानों को देते घर का खर्चा चला रहा है। बाकी भी कुछ ना कुछ करते ही होंगे जो जिंदा बचे हैं। आप हमें ये बताइए कि आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आया कि आप देश के लिए कुछ करें? मैं देश के लिए लदेन को पकड़ना चाहता था जी, बस वही ख्वाहिश रह गई मेरी। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे स्पाइडरमैन लादेन को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। तो क्या ये क्या बकवास कर रही मैडम, क्या नाप सुना बोल रही, प्रोग्राम लाइव चल रहा है जी, आपको अफगानिस्तान भेजना है लादेन को पकड़ने के लिए? मैडम वो तो ठीक है, मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ मैडम। सर आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, 1 घंटे में आपका पासपोर्ट बना दूंगी। ओ मैडम 1 घंटे में पासपोर्ट तो बन जाएगा, सूखने में भी तो टाइम लगेगा, क्या गीले गीले पे वीजा लगा दोगी? आप क्या चाहते हैं कि आप सरकार आपके लिए क्या करे? अगर आप मेरा मैसेज देना चाहती हैं तो सरकार को मैसेज दो कि हम जितने भी सुपर हीरो हैं सबके घर में 5-5 किलो अनाज मुफ्त भिजवाएं। ये कृष के घर में सिर्फ 2 किलो भिजवाएं। इसने क्या करना है, एक शे है, छोटी बच्ची है, वैसे बच्ची को कौन सा खिलाता है, कई सालों से बच्ची खिला रही है। 2 किलो लिखे आप इसका जी। सर मगर मैं उस सरकार की नहीं, इस सरकार की बात कर रही हूँ। अच्छा इस सरकार की बात कर रही है, इस सरकार से तो पता ही है सब क्या चाहते हैं, दिला दो जो दिलाना है आपको। तो जजेस आप क्या कहते हैं, आप हमारे स्पाइडरमैन को क्या क्या देना चाहेंगे? तो अर्चना आप हमारे स्पाइडरमैन को क्या मार्क्स देना चाहेंगे? वंस अगेन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस कपिल, अगेन सुपरलेटिव, बहुत समझ है आपको अपनी क्राफ्ट की, अपने टैलेंट की, बहुत अच्छा होल्ड है आपको कॉमेडी पर, टाइमिंग पर। पार्वती आई वॉन्ट टू से वन थिंग फॉर यू कि हर कैरेक्टर का एक ग्राफ होता है और होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो एंट्री लेवल ही इस लेवल पर आएगा तो फिर यू नो देन इट बिकम्स ओवर द टॉप या स्क्रीचिंग। सो बट अदरवाइज द एक्ट वॉज वंडरफुल कपिल, वंस अगेन यू आर ट्रिमेंडसली टैलेंटेड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रोहित, कपिल बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। थैंक यू सर। थ्रू आउट द एक्ट एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस रखा आपने, क्योंकि एक आप एक बुजुर्ग का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कि स्पाइडरमैन अब बूढ़ा हो चुका है, तो यू नो बहुत इजी होता है बहक जाना, कहीं लाउड हो जाए या कहीं वो कैरेक्टर को एनर्जी डाल दे उस कैरेक्टर में, बट एनर्जी ना डाल के आपने एनर्जी क्रिएट की उस कैरेक्टर में, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनको एग्जैक्ट समझ होती है कैरेक्टर की, आप उनमें से एक हैं।
चलिए आइए स्कोर्स की तरफ चलते हैं. अर्चना, एक्ट अच्छा था, कपिल बहुत अच्छा था. 10 points. एक मार्क एक्स्ट्रा है कपिल के परफॉर्मेंस के लिए.